तो लेकर आ गए आपके लिए क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ऐसे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में आपके पास बेसिकली तीन कंटेंट्स हैं जहां पर आप बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम, दूसरा रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तीसरा रहेगा रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। जी हाँ, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि बिल्कुल बेसिक से आपको टॉप तक के क्वेश्चन डिस्कस करवाने वाला हूं। जैसे कि हमने यहां देखा कि सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है नंबर सिस्टम, जो कि आप 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली ये नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब डिवाइड होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। होल नंबर सिस्टम इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हम प्यार से कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी हाँ, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर जो कि आपका चैप्टर का नाम है, जो कि आप क्लास 10th में डिस्कस करने वाले हैं, वैसे ही इमेजिनरी नंबर। जी हाँ, रियल नंबर का उल्टा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th में। यहाँ पे हम उसको टच नहीं करेंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक उसके मैं यूज कर लूंगा यहाँ पर, लेकिन बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स में है रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 11th क्लास में अलग टॉपिक है, वहां पर डिस्कस करेंगे उसको हम। रियल नंबर की जब बात करता हूं तो ये दोबारा डिवाइड होता है दो पार्ट में, जो कि होता है रैशनल नंबर्स एंड जी हां इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, दोस्तों जिस तरह से आपके स्कूल में हेड बॉय होता है और हेड बॉय बनने के लिए उसको बहुत सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि उसकी एकेडमिक्स में अच्छी रैंक होनी चाहिए, उसकी स्पोर्ट्स में अच्छी होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज वाइज वो अच्छा होना चाहिए, वैसे ही बहुत सारे क्राइटेरिया जब फुलफिल होते हैं तब वो इंसान हेड बॉय बनने के एलिजिबल होता है। वैसे ही यहां पर भी कोई भी नंबर अगर रैशनल नंबर बनना चाहता है तो उसको फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फिल्टर्स। जब वो सारे फिल्टर्स से क्रॉस हो जाता है और यस 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 की टिक लग जाते हैं तो वो कहलाता है रैशनल नंबर। जैसे कि पहली कंडीशन ये है, यहां पर चार कंडीशन का सेट दिया हुआ है, जब कोई नंबर ये चारों कंडीशन पास कर जाएगा तब जाके वो नंबर बनेगा रैशनल नंबर, नहीं तो एक भी कंडीशन अगर फेल हो जाए तो वो अपने आप बन जाएगा इरैशनल नंबर। जी हाँ, पहली कंडीशन तो ये कि वो पी बाय क्यू का फॉर्म होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट मींस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है पी और क्यू, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर होने चाहिए। चौथा और आखिरी पी एंड क्यू आर कोप्राइम। जब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तब जाकर वो नंबर बन पाता है रैशनल नंबर। इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस आर वायलेटेड देन दैट नंबर ऑटोमेटिकली बिकम्स इरैशनल। जी हां, इफ ऑल द फोर कंडीशंस आर फॉलोड देन दैट नंबर इज रैशनल, इफ एनी ऑफ दीज कंडीशन इज वायलेटेड बाय दैट नंबर इट मींस दैट नंबर ऑटोमेटिकली बिकम्स इरैशनल नंबर। जी हां, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी चीज है। आपके पास अगर कोई भी नंबर आएगा तो उससे आप चार सवाल पूछेंगे, जैसे कि मेरे पास एक नंबर आया है 9। मैं इस 9 से सवाल पूछूंगा, क्या तुम पी बाय क्यू के फॉर्म में हो, तो
पास 22/7 है या फिर आपके पास 11/9 है, कोई भी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद या तो टर्मिनेटिंग आंसर आता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग। जी हाँ, कई बार डेसिमल का आंसर भी नहीं आता, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मैं अगर 11 को डिवाइड करूं 9 से तो आपको अच्छी तरह बताया कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहां पर लगेगा डेसिमल, यहां पर 18 और यहां पर फिर से 2, तो लगातार ये आपके पास 1.22222 ऐसे आता जाएगा। तो आपको मैं अगर ब्रॉडली समझाऊं ये चीज, तो आप ये समझेंगे कि जब मैं डिवाइड करता हूं कोई भी दो नंबर, तो या तो मेरे पास आंसर आता है ऐसा कुछ 1.22222, या तो आंसर आता है 1.25, मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग जो रुक गया, या फिर मेरे पास आंसर आता है 1.23813291 एंड सो ऑन। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि यार आंसर आपके पास जब आते हैं ना, तो इस तरह से आते हैं कि या तो वो टर्मिनेटिंग रहे, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह के होता है, कि या तो रिपीटेशन मार रहे हैं वो 1.22222222 जिसपे अपन 2 पे बार लगा देते हैं, या फिर है 1.23232323 पे बार लगा देते हैं, या फिर एक रैंडम आंसर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर रिपीटिंग नहीं है, जैसे 1.23813291 एंड सो ऑन। तो भैया मैं फ्रैक्शन को किस तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, मैं फ्रैक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का कोई सब पार्ट नहीं है, पर नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हैं जिसको बोलेंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो दोस्तों मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ये सब बता के मैं अपने आप को रैशनल नंबर मानता हूं और किसी दूसरे को इरैशनल नंबर मानता हूं। मैं अगर खुद को रैशनल नंबर मानता हूं तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको एक्यूरेट वैल्यू देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि रैशनल नंबर एक्यूरेट वैल्यू देता है और इरैशनल नंबर आपको रैंडम वैल्यू देता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक्यूरेट वैल्यू कौन देगा। जी हाँ, आपका आंसर सही है, अगर आप नंबर लाइन पे 3.25 को मार्क करने जाएंगे तो आपसे आराम से हो जाएगा, लेकिन 3.23869218893 को मार्क करने जाएंगे तो नंबर लाइन पे मार्क नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं है। तो दोस्तों ये बोल रहा हूं कि जो नंबर आपको एक्यूरेट आंसर देगा वो क्या रहेगा, आपका रैशनल नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है आपका, रैशनल। जी हाँ, दूसरे शब्दों में अगर मैं इस बात को बोलूं तो ये बोलूंगा कि भैया टर्मिनेटिंग नंबर आर ऑलवेज रैशनल, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दोबारा सोचो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में अगर मैं कंपेयर करूं, तो भाई आप मुझे बताओ 3.22222 ये ज्यादा एक्यूरेट है कि कुछ भी लिख दो, अगर मैं 3.21839165 कुछ भी एंटर, तो इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है। हाँ, आवाज आई मुझे, आप बोल रहे हैं कि रिपीटिंग नंबर ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा क्योंकि 10 डेसिमल के बाद भी मुझे पता है कि वो 2222 वाली बात ही करेगा, लेकिन 10 डेसिमल के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी वैल्यू इसकी या नीचे की तरफ मुझे नहीं पता, क्योंकि रैंडम वैल्यू है, कुछ भी दे रहा है कुछ भी दे रहा है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो ये रैशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज इरैशनल। तो दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि आपको याद रखना है कि टर्मिनेटिंग नंबर आपको हमेशा रैशनल नंबर देंगे, बाय चांस उसके नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आए तो नॉन टर्मिनेटिंग में आपको रिपीटिंग रैशनल रहेगा, लेकिन यह फिक्स है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका हमेशा इरैशनल नंबर रहेगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको टेबल बनाया है ये आपको याद आना चाहिए पूरी तरह से, तभी आपको बेसिक क्लियर रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार। Midges, they'll be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show.